कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए। आज मैं आपके सामने, मेरे पास दुपट्टा है और इसमें जो किनारी में चारों तरफ से जो है गोटा लगा हुआ था, जो मैंने निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं मैं इसकी जो स्कर्ट बनाऊंगी, तो किस तरह से इसकी स्कर्ट बनाऊंगी वो आप बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले इसे डबल लहर में ले लिया है और इससे जो इसका गोटा चारों तरफ से मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, मैंने डबल लहर में कपड़ा ले लिया है। अब हमने इसे जो है अच्छे से, लचीला है कपड़ा तो इसे बिल्कुल आराम से इस तरह से बिछा लेना है और उसके बाद इसमें मेजरमेंट का निशान लगाना है। हमने जो इसे रेबदार कपड़ा रख दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जो है, ये देखिए, यहाँ से जो मैंने यहाँ पर जो है इसका कोना है, यहाँ से जो मैंने 11 इंच यहाँ तक लिया हुआ है और इसमें गोलाई की शेप पूरे में दे दी है यहाँ से। और नीचे का मेजरमेंट यहीं से मैंने, जहाँ पर ये देखिए, यहाँ से मेरा 11 11 इंच आया। मेरे पास जो है स्कर्ट का जो इसमें जो हमने कमर के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करते, कमर मेरे पास जो इसमें 34 है तो उसका चौथाई भाग 8.5 आ गया। 8.5 में प्लस हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 10.5 इंच। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमारा पूरा 10.5 इंच है। और हमें तैयार जो इसका स्कर्ट का मेजरमेंट जो है 39 चाहिए, 38 चाहिए, तो हमने इसमें 39.5 ले लिया है। पूरे में राउंड में इसी तरह से 39.5 39.5 पूरा ले लिया है पूरे राउंड में। पहले हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है और 1 इंच की हम ऊपर इसमें जो है बेल्ट लगाएंगे, जिसमें एलास्टिक ऐड करेंगे। चुन्नी है और चुन्नी जो पूरी 5 मीटर की ये चुन्नी थी, फुल साइज की चुन्नी थी, इसमें चौड़ाई भी काफी थी, तो इससे जो थोड़े आराम से हमें कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है चुन्नी का कपड़ा बहुत लचीला होता है। इस तरह से हमने बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग कर लेनी है। कहीं से भी कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसमें हमारे नीचे ऐसे मैक्सिमम जब भी हम स्कर्ट बनाते हैं तो नीचे से जॉइंट जरूर लगता है, लेकिन ये जो हमारे पास बहुत सारा दुपट्टा जो बहुत 5 मीटर में था इसकी लंबाई, तो ये बहुत सारा था, तो इससे जो हमारे बच्चा ही इसे कहीं भी जॉइंट नहीं लगा। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब इसके लिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। जिस तरह हमने चुन्नी से जो है ये घेरा सरारे स्कर्ट का काटा हुआ है, सेम उसी तरह से मैंने जो है ये लाइनिंग भी इसी तरह से काट रखी है और मैंने इसमें साइड से सिलाई डाल दी। इसी तरह बॉर्डर में भी मैंने नीचे से इसमें देखिए इस तरह से बारीक सिलाई डाल दी है। अब हमने जो इसमें अभी इसके लिए जो इलास्टिक के लिए जो ऊपर से जो बेल्ट है उसकी कटिंग नहीं की हुई है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा चुन्नी है इसमें सबसे पहले तो हम, अब स्कर्ट है इसकी काटी हुई तो स्कर्ट ही बोलेंगे, इस तरह से इसे ये देखिए यहाँ से इसका ये ऊपर का घेरा है कमर का, तो हम साइड से पहले दोनों साइड से सिलाई डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो बाहर चुन्नी का बाहर का कपड़ा है वो शाइनिंग का है और अंदर से डल है, तो इस तरह से हम सीधे उल्टे का ध्यान रखेंगे और इस तरह से इसमें दोनों तरफ से पहले सिलाई डाल लेंगे। देखा, आप देख सकते हैं स्कर्ट की भी अलग से सिलाई डाली और इसकी भी अलग, बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं किया वो इन दोनों की सिलाई को, और बाद में दोनों को इकट्ठा करके बेल्ट में ऐड करेंगे। मैंने दोनों तरफ से जो है घेरे की स्टिचिंग कर दी है, लेकिन नीचे से अभी बॉर्डर जो नीचे से मैंने कोई स्टिच नहीं किया है, मैं सबसे लास्ट में इसे स्टिच करूँगी। उससे पहले जो हम इसके लिए बेल्ट के लिए जो है कपड़ा निकाल लेंगे, जैसे ये हमारे पास चुन्नी है उसका भी निकालेंगे, इसके साथ अंदर को लाइनिंग भी निकालेंगे, क्योंकि डार्क कलर है लेकिन ये बहुत पतली है तो इसमें सब कुछ दिखेगा, मतलब ये पक्की नहीं रहेगी, तो इसमें हम अंदर से अगर ये लाइनिंग भी लगाएंगे, अस्तर लगाएंगे, तो इससे और मजबूत हमारे जो है स्कर्ट बनेगी। बेल्ट के लिए हमने कपड़ा काट दिया है, ये देखिए
जितना हमें चाहिए था 2 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी। और उसी तरह से इसके अंदर के लिए लाइनिंग भी काट दिए। तो हम किस तरह से इसे स्टिच करेंगे, ये देखिए, इन दोनों को इस तरह से डबल लेंगे। और जो ये हमारा घेरा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा घेरा है, ये इसका फ्रंट है, ऊपर का पार्ट है, और जैसे ये हमारा दूसरा, ये जो अंदर लाइनिंग है, तो हमने इसे भी इस तरह से इसका जो ये अंदर कमर वाला हिस्सा ये है, इसमें से हमने इसे, ये दूसरा कमर का हिस्सा इस तरह से निकालना है, और इसमें पूरे राउंड में सबसे पहले सिलाई डालनी है ताकि हमारा सही से ये स्टिच हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लाइनिंग को भी घेरे में अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमने किस तरह से इसमें अब बेल्ट कैसे किस तरह से लगानी है, जैसे अभी हमने इसमें, आप चाहे तो जैसे अगर आपके पास लाइनिंग नहीं तो दोनों पहले सारा बेल्ट को स्टिच करके राउंड में उसके बाद भी इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें जो है लाइनिंग साथ में है तो हम किस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए टेढ़ा है तो इसे सीधा कर लेना है, और ये देखिए इस तरह से। अब हमने किस तरह से स्टिच करना, जैसे ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से हमने ये देखिए इस तरह से ऐड करना, ताकि जब हम इलास्टिक ऐड करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमने इलास्टिक को, पहले तो बेल्ट को इस तरह से ऐड कर लेना है, पूरे में हमने अटैच कर लेना है। और साइड में यहाँ पर हमने जो सिलाई नहीं डाली थी, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा गैप है, यहाँ से हमने पहले सिलाई डाल दी, और अब जो यहाँ पर ये गैप है इसको भी हम इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमने जो इलास्टिक ले लेना है, जितना हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपका हिप, आपकी जो मतलब कमर है वो 17 है तो उसमें -34 है, 17 का आधा किया मैंने, 34 है तो उसमें 4 इंच का लॉस कर लेना, यानी कि मैंने 30 इंच, 15 इंच जो है डबल में इस तरह से ये इलास्टिक ली हुई है। अब हमने इसे किस तरह से ऐड करना है, ये देखिए, जैसे ये हमारी, ये देखिए ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो हमने किस तरह से इसे ऐड करना है, ये देखिए इस तरह से, पहले यहाँ से हमने सिलाई डाल देनी बहुत सारी, और ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पर ये जो सिलाई है इसकी सिलाई के ऊपर से इस तरह से सिलाई डालनी है, और इस तरह से हमने पूरी इलास्टिक इसमें ऐड कर लेनी है। इस तरह से हमने पूरे में इलास्टिक ऐड कर दी, और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसे जैसे इलास्टिक को इस तरह से पूरे में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और इसके ऊपर से एक और सिलाई डालनी है ताकि हमारे इलास्टिक कहीं को भी घूमे नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी स्कर्ट जो है, देखिए पूरी तैयार हो चुकी है, और काफ़ी घेरा है इसमें, आप देख सकते हैं चुन्नी से हमने बहुत सारा घेरा निकाल दिया है, लेकिन हमने अभी नीचे से सिलाई नहीं डाली है, तो हम सिलाई डालेंगे इसमें, लेकिन पहले इसे एक बराबर कर लेंगे और इसका मेजरमेंट भी ले लेंगे। हमें तैयार 38 चाहिए, और 38 जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम मार्क लगा कर इसमें सिलाई डाल लेंगे, जिससे जो हमारी रेडी हो जाएगी। और आप इस तरह से चुन्नी से जो है, इसे चुन्नी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, देखिए कितनी सुंदर चुन्नी थी, और इसका इसमें अंदर से हमने लाइनिंग लगा दी, तो ये हैवी हमारी स्कर्ट बन गई। और इसके साथ जो मैंने चुन्नी से ही, ये देखिए आप देख सकते हैं ये चुन्नी थी, चुन्नी से ही कुर्ती प्रिपेयर की है, जिसमें ये देखिए ब्लू कलर की लेस ली है, और इसमें अब मैं ब्लू कलर की यहाँ से बटन लगाऊंगी, जो बहुत इकट्ठे इकट्ठे लगाऊंगी, और बॉर्डर में मैंने नीचे भी इसमें इसी कलर की लेस लगाई है, और अम्ब्रेला कट हल्की सी जो बाजू बनाई है। तो आप इस तरह से चुन्नी से ही सूट भी तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।